Everyone and welcome to my channel Dream Glam. So friends, आप सभी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो वेट गेन हो जाता है, जो मोटापा आ जाता है पीसीओडी पीसीओएस की वजह से, उसके ऊपर कोई वीडियो शेयर करो, कोई डाइट शेयर करो, कुछ एक्सरसाइजेस शेयर करो जिससे आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके और आप अपना वजन कम कर सके. तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. इसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डाइट बताऊंगी और साथ ही साथ मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे आपको पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो वेट गेन हो जाता है, जो मोटापा बढ़ जाता है, या पीसीओडी पीसीओएस की वजह से और भी जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है. आप सो फ्रेंड्स, ये पीसीओडी या पीसीओएस जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, ये जो है ये बहुत आजकल की वुमेन्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. फर्स्ट प्रॉब्लम जो होता है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है. खासकर हमारा जो ये सेंटर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट जमना शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही बुरा लगता है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सुबह उठते ही आपको पीना है पानी. गुनगुना गर्म पानी आप पी सकते हैं, ये आपके फैट को निकालने में मदद करेगा. अगर आपको चाय पीने की आदत है, जरूर से जरूर चाय पीजिए. कोशिश कीजिए बिना दूध वाली, बिना चीनी वाली चाय, और उस चाय में बिना दूध या बिना चीनी वाली चाय पीजिए. और इस चाय में हो सके तो थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी दालचीनी डालकर आप चाय पीजिए. इसके बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की, तो कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट वगैरह में फ्रूट्स लेने की. तो फ्रूट्स आप कैसे ले सकते हैं, बेरीज वगैरह ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप केले एक या दो केला खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, या कोई भी फ्रूट्स, और साथ में आपको लेने हैं थोड़े से नट्स. बस एक एप्पल और नट्स आप ब्रेकफास्ट में खा लीजिए. और ब्रेकफास्ट के बाद तो सप्लीमेंट में आप ले सकते हो डॉक्टर चॉइस का, डॉक्टर चॉइस ओवा हेल्थ हर्ब नीड. ये बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए. तो इसे अगर आप लेते हो ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के दो तीन घंटे, एक दो घंटे, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको लेना है एक ग्लास ये. तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो ये बेरीज वगैरह, अश्वगंधा, इस तरह की जो चीजें, आंवला पाउडर, ये सारी चीजें जो होते हैं पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कम करने में, या आपके वेट जो बढ़ गया है या पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने में बहुत मदद करता है. तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि आपको किस तरह से ये वाला सप्लीमेंट लेना है. सो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर चॉइस ओवा हेल्थ जो है, डॉक्टर चॉइस का ओवा हेल्थ बहुत ही अच्छा एक ड्रिंक है पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए. देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हर नीड, यानी ये आपको बेटर एंड टाइमली मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी आपके पीरियड्स टाइम से आएंगे, सही पीरियड होगा, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके एक्ने वगैरह को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपके एस्ट्रोजन लेवल को भी बूस्ट करता है. और जैसे कि ये आपको सिर्फ एक चम्मच लेना है, आपको पानी में या किसी स्मूदी में डालकर भी आप इसको ले सकते हैं. ये आपके ओवरऑल हार्मोन को बैलेंस करता है, आपकी एग क्वालिटी को प्लस फर्टिलिटी को आपका अच्छा करता है, साथ ही साथ यूटीआई की प्रॉब्लम अगर है तो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ रिड्यूस एक्ने एंड फेशियल हेयर, जो फेशियल हेयर हो जाते हैं समटाइम्स पीसीओडी पीसीओएस की वजह से, वो भी सही करता है, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है, और आपके यूट्रस के मसल को स्ट्रेंथ करता है, यानी मजबूत करता है. यानी वुमेंस के लिए ये एक बहुत अच्छा है, मिक्स्ड बेरीज से बना हुआ है ये. तो आपको बस इसके अंदर ही एक चम्मच जो मिल जाएगा उसी का एक चम्मच आपको इसे लेना है. आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, चाहे तो आप शाम के टाइम भी इसको ले सकते हो. ये बहुत ही अच्छा एक वुमेंस के लिए एक ड्रिंक है जो कि पीसीओएस पीएमएस या पीसीओडी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करता है. और इसमें जो है बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो सतावरी, अश्वगंधा, जी क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, आंवला पाउडर, इस तरह की रेड रेस्पबेरी, और इसी तरह की बीट रूट, एलोवेरा, इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है ये. इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे पीने में भी. तो बस इसे आप अगर पी लोगे तो आप पूरे दिन फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, आपकी एनर्जी लेवल सही रहेगी, आपकी पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और आपका बढ़ा हुआ वजन भी कम होता रहेगा. फ्रेंड्स, अगर आपको ओवा हेल्थ हर नीड, ये जो डॉक्टर चॉइस का ये सप्लीमेंट है, ये अगर आपको लेना है
पीसीओडी पीसीओएस को अपना क्योर करने के लिए अगर इसको आप खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफी लोग आप कमेंट करते हो दी कहां से खरीदे, लिंक भेजिए कहां से खरीदे, तो ये जो भी चीजें मैं दिखाती हूँ इनके लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, जहां से मैं खरीदती हूँ उन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दिए होते हैं, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। तो इसके बाद आती है लंच की बारी। लंच में आप एक मल्टीग्रेन रोटी और एक बड़ी कटोरी कोई भी सब्जी, अपनी मनपसंद सब्जी आप बनाकर ले सकते हो, या फिर एक छोटी कटोरी चावल, दाल, सब्जी और सलाद आप लंच में ले सकते हो। और इसके बाद आप शाम को अगर चाय पीने की आदत है तो शुगर फ्री चाय ज़रूर पीजिए। और डिनर में आप ओट्स बनाकर लीजिए, ओट्स बहुत अच्छा होता है, ओट्स को दूध के साथ बनाकर डिनर में अगर आप लेंगे तो आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, कौन से एक्सरसाइजेस हैं या कौन से योगा हैं जो कि हमें हमारे पीसीओडी की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, मोटापा गेन हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स है, इरेगुलर पीरियड्स है, जो भी हो रहा है उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी ये पीसीओडी पीसीओएस की वजह से जो हमारा बेली का फैट बढ़ जाता है या वजन बढ़ जाता है उसके लिए बहुत असरदार होता है। आपको इस तरह से पैरों को मोड़ लेना है और हाथों को इस तरह से अपने पैरों को पकड़ लीजिए, 1 से 10 तक काउंट कीजिए, फिर थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट लेना है, उसके बाद फिर दोबारा इसको करना है, 1 से 10 तक काउंट करना है, फिर आपको रिलैक्स हो जाना है। तो इस तरह से कम से कम 4 से 5 बार इसी पोज को इसी तरह से करते रहना है। दूसरे एक्सरसाइज में आप देखिए पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कोहनी को नीचे रखना है, घुटनों के पास इस तरह से रखना है और हाथों से अपने पैरों के तलवों को पकड़ना है, 1 से 10 तक काउंट करना है, फिर आपको स्ट्रेट हो जाना है। इसे भी कम से कम 10 से 20 बार इसी एक्सरसाइज को आप करते रहिए। शुरुआत में थोड़ा कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो आप लोग, जैसे 20 बार किया उसके बाद आप 30 टाइम्स कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, ये आपके बेली फैट को बहुत कम आसानी से कम करेगा, साथ ही साथ आपके पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ये जो आसन है, योगासन है, ये बहुत ही आसान है और बहुत असरदार है। आप देख सकते हो पेट पर ही इसमें असर पड़ता है, यानी बेली पर असर पड़ता है। और इस तरह से आप तीसरे एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेटना है और हाथों को और पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है, 1 से 10 तक आप इसको काउंट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतार दीजिए, फिर आप थोड़ी देर रेस्ट लीजिए, उसके बाद दोबारा फिर इसको कीजिए। आप देखोगे आप समटाइम्स क्या होता है, हमारा मोटापा जो है हमारे सेंटर पॉइंट पोर्शन में ही ज़्यादा होता है, यानी पेट या पेट के आसपास थाइज हिप्स में मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो योगासन आज मैंने आपको दिखाई, ये जो एक एक्सरसाइजेस आप लोगों को आज मैंने शेयर किए हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 20 बार करने की कोशिश कीजिए, आप देखोगे धीरे आपके जो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा, आपके बड़े हुए पेट को कम करने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को सही है, ये डाइजेशन अच्छा करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक देना और चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं शेयर करती रहूंगी।